चलो भाई देखते हैं अभी क्या सीन होता है, फर्स्ट राइड है। लेकिन ये रहा रूसिया एडवेंचर पार्क और जलसा बार। पता है अगर एलके आते हो तुम मस्ट विजिट किया, यहाँ एक बार आके देखो। चलो ले 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 बिंदास ने। हाँ तो चलो भाई, माइक का जो ग्रिप होता है वो भी अभी खो गया है पता नहीं, तो वॉइस का भी ठिकाना नहीं है कैसा वॉइस आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लक्कड़कोट से डायरेक्ट स्ट्रेट नितिन के घर से सीधा निकल के यहाँ पे मीरकोट पहुँचे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये राइड में भी अच्छी होगी क्योंकि कुछ लाइनअप नहीं है, अपनी अपनी तरीके से राइड कर रहे हैं, स्पीड का भी कोई भरोसा नहीं है। प्रीत पहले निकल गया, उसके पीछे नितिन भगा के निकल गया, उसके बाद ओएस और सीनो वो अपनी गाड़ी भगा के निकल गए। मतलब ऐसा है कि तुम खुद का देख लो, गाड़ी हम अपने तरीके से चलाएंगे, बस इतना ही हो गया। तो आई थॉट कि मुझे तो यार अभी से कुछ वो लगा, पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, 5 बजे का टाइम दिया था, टाइम लेट पहुँचे अभी ये। चलो अभी निकलता हूँ, मुझे लग तो भाई अभी हाईवे से जाम की गांव में अंदर घुस चुके हैं, यहाँ से पता नहीं कितने दूर है, उसका आइडिया तो नहीं है। मैं तो स्टिल अभी पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। पहली बार आया हूँ, ना रास्ते का पता था, पीछे पीछे आराम से आया मैं बिंदास। और तेरे लिए रुके ना, बाकी तो अभी सीन यहाँ का देख लो तुम, एक नंबर है सब, सनसेट पूरा ओपन है। अभी यहाँ टेंट तो एक ही है, पता नहीं लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो बाद में देखते हैं, बाकी यहाँ पे मस्त बिस्तर लगा के सो जाएंगे, टेंट लगाएंगे ना। चल तो पहला ना मुझे तो देखो भाई सिनू सेट हां तो से क्या बचो ते जो जे बचो खान के अरे तो पड़ता छे हमारी सिनू सेट ले हां हां आपरे पिलाना ने ना सर जरा के पानी पियो सवार आता दूर हो जाता।
तीन टिकड़ा। रात के 10:30 बजने वाले हैं, अभी तक खाना बना नहीं, चालू है खाना बनाना। और भाई अपनी बिरयानी बन रेडी हो चुकी है, ये देखो ये मजा दी ने जरा हाथ भी तो नीचे बाकी रे हो गया ना भाई तेरा। चलो अभी 2-5 मिनट है, पानी लेने जाना है। चल चल ए भेजल जा। Sailor's log, explore. कृषि को मिला एक नया जीवन, छत्तीसगढ़ में बनने लगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय। अभी बहुत नींद भी लग रही है, बहुत थक भी गए हैं, क्योंकि अराउंड 6 बजे से निकले थे, यहाँ आए, यहाँ पूरा मतलब ताम जाम कर लिया है, खाना पकाया, और अभी कितने बजे पता नहीं, बहुत नींद आ रही है। सुबह मॉर्निंग सीन के लिए जल्दी भी उठना है। सो अभी गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। नितिन गुड मॉर्निंग भाई लोग। रात को सोते सोते करीबन 2 बज गए थे, खाना पीना अपना बहुत लेट हुआ था। क्या बोलो यार, फर्स्ट नाइट कैंपिंग थी, ऐसा एक्सपीरियंस रहा, वो तो बाद में शेयर करेंगे एक दूसरे से। अभी फ़िलहाल 6:30 बजने वाले हैं, अभी तो बाहर चलना पड़ेगा। प्रीत अभी भी सोया ही है, बाकी के बंदे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये रहा अपना नाइट का स्टे आउट, एसी बेड टेंट अपनी बाइक्स, और ये नाइट का डिनर सेट। सो गाइस अभी टाइम टू पैक अप, सब पैकिंग चालू हो गया। अपने प्रीत भाई उनका टेंट अभी पैक कर रहे हैं, नितिन भाई का फुल हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं, वो उतार रहे हैं देसी मार के। सीनू भाई अभी आँख खुले ही मतलब क्या कर रहे हैं, उनका तो कोई आइडिया नहीं। और अपना एक दोस्त है, वो अभी चाय बनाने के फिराक में तैयार है। बस नहीं भाई, अभी तो अभी चाय पीनी थी लेकिन दूध फट गया, इसलिए अभी चाय नहीं बनेगी। और यहाँ से निकलेंगे, मेन हाईवे पे टच होंगे, वहाँ पे ब्रेक लेंगे, चाय ब्रेक, और उसके बाद निकलेंगे अपने अपने घर। तो अभी फर्स्ट नाइट कैंपिंग कैसा रहा ये भाई लोग अपने को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है, क्या किया है हमने। सो भाई लोग अभी पूरा टोटल हमने एरिया भी क्लियर कर दिया, गाड़ी पे पूरा सामान लोड कर दिया है, चटाई है, रजाई है, गाड़ी पे सब जो सामान घर से लेके आए थे पूरा कर दिया अपने प्रीत भाई, ओएस और अपने नितिन भाई, सब लोड है। फर्स्ट हमारी नाइट कैंपिंग थी, ताकि हम ना लॉन्ग राइड पे जाने वाले थे, उसी वजह से हमने फर्स्ट ये नाइट कैंपिंग की कि कैसा रहेगा हमारा एक्सपीरियंस। तो अभी पूरी नाइट यहाँ बिताई, पूरा अच्छा दिन गया, जो फुल मज़े लेने थे वो फुल मज़े लिए। बाकी उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मैं पहले स्टार्ट करूँगा अपने प्रीत भाई से। प्रीत भाई कैसा रहा फर्स्ट नाइट कैंपिंग? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब मैंने जब टेंट खरीदा था तब मैंने सोचा था कि नहीं करना चाहिए, तो पहली बार यूज़ किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नाइट काफ़ी अच्छी रही और एनवायरनमेंट काफ़ी कूल था ऑल ओवर बहुत। और अपने ओएस भाई? मेरा फर्स्ट टाइम था, अच्छा गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसलिए, क्या मेरा फर्स्ट टाइम था ना इसलिए अच्छा था भाई। अपने नितिन भाई क्या बोलते हैं, बोलो भाई कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस है बेटा, कैसा रहा एक्सपीरियंस बोल। एकदम मस्त। चलो भाई अभी फुल रेडी है, लोड है, अभी यहाँ से हाईवे पे निकलेंगे, वहाँ लास्ट मीटअप चाय पियेंगे, उसके बाद अपने अपने घर चलेंगे। तो बस ये व्लॉग यही ख़त्म करूँगा हमारा फर्स्ट नाइट कैंपिंग का, कैसा रहा आप भी व्लॉग में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, और आप मुझे पसंद करते हो, मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस ये व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ, तब तक दूसरा व्लॉग आएगा, तब तक आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय आदिवासी, जय जोहार। Thank you.